इंडिया ने मिलिट्री रूल देखा नहीं है। पाकिस्तान ने उसके अंजाम देखे हैं, समझे हैं, और डेमोक्रेसी सिर्फ मेजोरिटी रूल नहीं है। मेजोरिटी इज नॉट जस्ट द विल ऑफ द मेजोरिटी, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ एवरी माइनॉरिटी। सो फर्स्टली इज दैट आई एम डिफाइंड बाय माई रिलीजियस आइडेंटिटी, एंड देन आई मस्ट लिव, आई कैन ओनली एक्सपेक्ट टू बी सेफ एंड हैव अ डिसेंट फ्यूचर इफ आई एम विथ अदर पीपल लाइक मी, विच मीन्स पीपल ऑफ माई रिलीजन। सो दैट वॉज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, अलग देश की थी, जहाँ मुसलमान और जो हिंदुओं का देश होगा, और जहाँ पे मुसलमान क्रिश्चियन माइनॉरिटीज खास करके उनको अगर रहना हो तो हम इजाज़त देंगे, क्योंकि हमारा देश है, और हम इजाज़त तभी देंगे अगर वो एक सेकेंड क्लास सिटीजन के तौर पे रहने की तैयार, मतलब इज इन अ कंसिडरेबल माइनॉरिटी इन दिस कंट्री। इवन टुडे वी हैव एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, उसमें वो अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे द मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर इन 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 सपोर्ट ऑफ इट। Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today I am honored and privileged to welcome Mr. Harsh Mandar. Harsh Mandar is a human rights activist, IAS officer, and writer and author. Thank you so much for joining us, Mr. Harsh. कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू। Sir, we'll do it in a bilingual, so it would be a mix. Because our audience is both जो हिंदी उर्दू इंग्लिश बल्कि तीन लैंग्वेजेस हो जाती हैं सर आई वॉज रीडिंग वन ऑफ योर राइट अप्स दैट वॉज इन द मार्च स्क्रॉल डॉट इंडिया पे और यू हैव मैंशनड योर ट्रिप टू ऑशविट्स और जो हॉरर उसमें आपने मैंशन किया लिटरली आई वॉज रीडिंग एट 3 AM लास्ट नाइट और मुझे वो पढ़कर ऐसा लगा कि बहुत ही उसमें जो ग्रूसम जिस तरह की ब्रूटैलिटी हुई ऑशविट्स में बट मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि वैसे उसको थोड़ा सा आप बता दें हमारी ऑडियंस के लिए देन वी विल मूव टू अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट आई हैव देखिए, ऑशविट्स एक जगह है, एक सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप नाजी जर्मनी के वक्त में, जहाँ पे मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है, 10 लाख लोग, 1 मिलियन पीपल वर स्लॉटर्ड इन दिस वन कंसंट्रेशन कैंप। और 2-3 सालों के अंदर उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया कि लोग ट्रेनों में आते थे, और ट्रेनों में तो उनको ये बताया जाता था कि आपको एक जगह रीसेटल करने लाए हैं, लेकिन जब वो उतरते थे तो लाइन में निकलते थे, तो जो लोग काम कर सकते हैं उन्हें लेबर के लिए, फोर्स लेबर के लिए ले जाते थे, पर दूसरी तरफ औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, उन सबको सीधे ही गैस चेम्बर्स में ले जाते थे, और किस तरह से जिस क्रूरता के साथ उन्हें ठोस ठोस के उनको कहा जा रहा था कि आपको शावर किया जा रहा है, और गैस, पॉइजन गैस, फिर उनके ऊपर वो छोड़ दिया जाता था, लगभग 2-3 महीनों के अंदर, 5-10 मिनटों के अंदर सभी लोग की जाने चली जाती थी, और फिर लाशों को निकाल के उसके अंदर से उनके दांतों में सोना, गोल्डन टीथ वो निकालना, उनके बाल भी कोई इंडस्ट्रियल यूज के लिए, उनके उनके सामान में जो पैसे वगैरह थे, कपड़े थे, वो सब उन्होंने इस्तेमाल करते हुए फिर उनको, इनकी लाशों को जलाना, और उसके लिए एक पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब रोज किसी दिन में 5,000 10,000 लोगों को मारना और उनके लाशों को जलाना, और वही
वही जो जमीन है वहीं पे उनको दफना देते थे, मतलब वो जो उसका जो राख था जलाने के बाद उसको उसके अंदर बहा देते थे। तो और जो लोग लेबर के लिए भी जाते थे उनके उनके साथ भी बहुत क्रूरता होती थी। औसत लोग 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते थे उस लेबर को करते हुए भी। तो उसको मैंने बताया और इसलिए बताया कि मुझे लगा कि बहुत जरूरी है दुनिया के, आपके देश में, मेरे देश में और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में लोग ऐसे ऐसे सरकारों को चुन रहे हैं, ऐसे नेताओं को चुन रहे हैं जो उन्हें नफरत के रास्ते पे ले जा रहे हैं। और इसलिए मैंने वो लेख लिखा कि जो भी चाहता है कि इस उनका देश, उनका समाज, उनकी सरकार इस नफरत के रास्ते पे चले, उसका अंजाम अंत में क्या होता है उसको समझने के लिए ऑशविट्स जाना जरूरी है। और इस कारण से मैंने ऑशविट्स की कहानी बताई। अच्छा सर, देखें, अगर हम इफ वी गो बैक टू द पार्टीशन, और हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो तो कम्युनल उसकी बेसिस पे बना और जो है वो मुस्लिम्स के लिए, लेकिन जो इंडिया था उसमें तो एक सेकुलर, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया, सेकुलरिज्म का बहुत अरसे तक एक प्रचार भी रहा। अब भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है डी जोरे जो है वो एक सेकुलर मुल्क है, बट डी फैक्टो जिस तरफ मूव कर रहा है, जिसकी को आपने भी मेंशन किया है, मैं ये आपकी एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था, आपने बल्कि एक आपका राइट अप था कि मोर देन 80% लोग जो है वो अथॉरिटेरियन या डिक्टेटरशिप की तरफ जाना चाहते हैं। सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू के ये क्या, क्यों ऐसा ट्रेंड है इंडिया में? देखिए, इंडिया ने मिलिट्री रूल देखा नहीं है, पाकिस्तान ने उसके अंजाम देखे हैं, समझे हैं। इंडिया में लोकतंत्र रहा, बहुत मजबूत लोकतंत्र रहा, और वो एक पीरियड इमरजेंसी को छोड़ के हमारी सरकारें चुन 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 चुनी जाती थी, और जो जो हारता था, हारती जो सरकार हार जाती थी वो पीसफुली ट्रांसफर पावर टू द नेक्स्ट। लेकिन एक एक किस्म का सोच इंडिया में भी, लेकिन इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये है कि अरे ये लोकतंत्र वगैरह से एक मजबूत सरकार नहीं बन पाती है, और मजबूत सरकार की जरूरत है जिससे हम लोगों के जो मसले हैं, परेशानियां हैं, उनका हल निकल पाए। तो दैट इज प्रॉब्ली व्हाट मोटिवेट्स द आइडिया कि हमें डिक्टेटरशिप की जरूरत है, कि आजादी, वो आजादी से हमें क्या मतलब है जब हम बेरोजगार हैं या हम भूखे हैं या अस्पताल स्कूल ठीक से नहीं चल रहे हैं, सड़कें ठीक से नहीं चल रही हैं। तो ये एक सोच है, लेकिन इट इज वेरी क्लियर टू मी कि यू नो इफ देयर आर फ्लॉज इन अ डेमोक्रेसी द सोल्यूशन इज नॉट लेस डेमोक्रेसी बट मोर डेमोक्रेसी। हाउ डू यू डीपन योर डेमोक्रेसी? और डेमोक्रेसी सिर्फ मेजोरिटी रूल नहीं है। मेजोरिटी इज नॉट जस्ट द विल ऑफ द मेजोरिटी, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ एवरी माइनॉरिटी। मतलब वही असली, एक्चुअली अगर आप एक एक डेमोक्रेसी की मजबूती को समझने की कोशिश करें, वो कितना मजबूत है, कितना गहरा है, ये हमें देखना होगा कि जो सबसे कमजोर माइनॉरिटी है उसकी सुरक्षा किस तरह से, उनके हकों की सुरक्षा
किस तरह से की जा रही। तो आपने सही कहा कि जब पार्टीशन हुआ, आजादी हमारे दोनों देश मुल्कों को मिली, पाकिस्तान, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान जिसको कह सकते हैं, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान में दो चीजें जरूरी थी। एक द आइडिया ऑफ पाकिस्तान में ये था कि क्योंकि हमारे आइडेंटिटीज, बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, मैं आपको जानता नहीं हूं, लेकिन आप नौजवान हैं, आप मर्द हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप मुस्लिम हैं, और बहुत सारी और चीजें हैं, आप ब्रॉडकास्टर हैं, आपको आपके आइडेंटिटी के बहुत सारे पहलू हैं, आप बेटे हैं किसी के, आप किसी से प्यार करते होंगे, आपके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन जो एक कम्युनल आइडियोलॉजी आपके सारे आइडेंटिटीज को अलग कर देती है, कहती है कि यू आर डिफाइंड बाय वन आइडेंटिटी एंड दैट इज योर रिलीजियस आइडेंटिटी। तो दैट इज द बिगनिंग ऑफ अ कम्युनल आइडियोलॉजी, कि आपकी पहचान मुख्य तौर पे आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी है। और दूसरा, द सेकेंड पार्ट ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज द आइडिया दैट वी कैन फाइंड सेफ्टी एंड इक्वालिटी एंड राइट्स ओनली इफ यू आर विद पीपल लाइक अस। तो कि हमारी सुरक्षा, हमारा विकास तभी संभव है अगर हम जैसे लोगों के बीच में भी हम रहें, और हम जैसे लोगों की पहचान कौन है, हम मेरे जैसे लोग, मेरे मजहब के लोग। सो सो फर्स्टली दैट आई एम डिफाइंड बाय माय रिलीजियस आइडेंटिटी एंड देन आई मस्ट लिव, आई कैन ओनली एक्सपेक्ट टू बी सेफ एंड हैव अ डिसेंट फ्यूचर इफ आई एम विथ अदर पीपल लाइक मी, विच मीन्स पीपल ऑफ माई रिलीजन। सो दैट वॉज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। द आइडिया ऑफ इंडिया, बिल्कुल अलग था, कि बिल्कुल लेट अस नॉट फॉर सेमनेसेस, कि हम लोगों को सुरक्षा और विकास तभी मिल सकता है, तरक्की तभी मिल सकती है अगर हम एक दूसरे में, आप किसी अल्लाह को माने, मैं किसी भगवान को मानूं, तीसरा किसी को ना माने, हम सब बराबर के इंसान हैं, बराबर के नागरिक हैं, बराबर के हक रखते हैं। आप तय करेंगे कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह की इबादत करनी है, कि कौन कौन सी जुबान में आप बात करना चाहते हैं, आप किस तरह से किससे प्यार करना चाहते हैं, किस तरह की जिंदगी आप गुजरना गुजारना चाहते हैं, ये आपका फैसला है, मैं अपने फैसले से करूं, और आपको अपनी आज़ादी, मुझे मेरी आज़ादी, मैं आपकी इज्जत करूंगा, आप मेरी इज्जत करें। सो वी आर नॉट लुकिंग फॉर सेमनेसेस बट रिस्पेक्टिंग डिफरेंस। ये फर्क था। आइडिया ऑफ पाकिस्तान बहुत जल्दी टूट गया, क्योंकि जब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि हाँ हम मुसलमान हैं लेकिन हम बंगाली भी हैं, हमारे अपने अपनी जुबा, अपने गीत संगीत, रहन सहन तरीके, ये हमारे हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, अहमियत रखते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि पार्टीशन में अंदाजन 10 लाख लोगों ने एक दूसरे का कत्ल किया, हिंदू मुस्लिम सिख, लेकिन बांग्लादेश लिबरेशन में 30 लाख लोगों ने का कत्ल हुआ, तो और भी ज्यादा खून, बहुत ज्यादा खून बहा, और तब बांग्लादेश अलग हुआ। सो आई थिंक द आइडिया ऑफ पाकिस्तान ब्रोक डाउन क्वाइट अर्ली आफ्टर 1971। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान के हम लोग एक मजहब के होंगे तो सब ठीक ठाक होगा और हम सुरक्षित रहेंगे और हम विकास कर पाएंगे, वो आइडिया ऑफ इंडिया मुझे लगता है कि इसको जो शुरुआती वक्त था नेहरू जी के वक्त में, जो फर्स्ट 2 3 डेकेड्स तक हम लोगों ने इस रास्ते पे चलने की कोशिश की, उसके बाद उसमें मतलब हम जो जो हिंदुत्व विचारधारा के लोग थे
उनके संगठन थे आरएसएस, हिंदू महासभा, वो कभी भी इस आइडिया से सहमत नहीं थे शुरू से ही नहीं और थे। वो शुरू से ही नहीं थे। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, अगले साल 100 साल पूरे होंगे। और उनकी कल्पना बिल्कुल एक अलग अलग देश की थी, जहां मुसलमान और जो हिंदुओं का देश होगा, और जहां पे मुसलमान क्रिश्चियन माइनॉरिटीज खास करके उनको अगर रहना हो तो हम इजाजत देंगे, क्योंकि हमारा देश है, और हम इजाजत तभी देंगे अगर वो एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे रहने की ये तैयार, मतलब डर के, सहम के, दब के रहें। ये उनकी कल्पना थी, मेरी ये कल्पना है कि ये देश मुसलमानों का उतना ही है, क्रिश्चियन का इतना ही है, आदिवासी दलित का उतना ही है, नास्तिक का उतना ही है जितना किसी और का, और सभी को अपने तरीके से जिंदगी बसर करने का की आजादी बराबर की है, सर और बट यू आर इन बराबर के हक। माइनॉरिटी राइट नाउ, यू आर इन माइनॉरिटी। आई डोंट थिंक वी आर इन अ माइनॉरिटी, ये मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल जो जो इस तरह के पॉलिटिक्स में बीजेपी अंडर मिस्टर मोदी गॉट 2014 गॉट 33% ऑफ द वोट शेयर, एंड 2019 इट हैड रिजन टू 38% ऑफ द वोट शेयर। और हम अगर ये माने कि इसका एक बड़ा हिस्सा हम मान सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की के विचार से सहमत है, लेकिन और कारणों से भी लोग वोट करते हैं, उनको उम्मीद है कि शायद इकोनॉमी के लिए कुछ करें या विकास के लिए कुछ करें। सो 30-35% से ज्यादा लोग इस विचार से आज भी इत्तेफाक नहीं ही रखते हैं, बाकी लोग इसका विरोध करते हैं। इट्स अनदर मैटर कि वो अलग-अलग पार्टीज में कई कारणों से उनमें दे हैवन्ट बीन एबल टू कम टुगेदर, लेकिन अगर एक यूनाइटेड ऑपोजिशन होता तो बीजेपी इज इन अ इन इज इन अ कंसिडरेबल माइनॉरिटी इन दिस कंट्री इवन टुडे। जी लेकिन सर जो रिजर्वेशंस थी उस टाइम के मुसलमानों की, जिस तरह से उस टाइम पे माइनॉरिटी थे मुस्लिम्स, क्योंकि आप देखें कि जब इलेक्शंस हुए और कांग्रेस के जो मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने जिस तरह से जो रवैया अख्तियार किया टुवर्ड्स द मुस्लिम्स, तो अगर और उस टाइम को और आज के अगर टाइम को देखा जाए तो फिर उनकी जो रिजर्वेशंस थी वो तो थोड़ी बहुत उनको अंदाजा था, जिस तरह के सवारकर जैसे लोग थे या बाद में गोलवालकर हैं, जी तो फिर उस तरह से तो वो फिर ठीक थे कि वही हो रहा है आज पाकिस्तान में। आज जो बात गुफ्तगू चल रही है, जिस तरह का डिस्कोर्स चल रहा है, कि फिर वो उस चीज को तो वो कहते हैं कि ये तो उसी चीज की ही एक जो लाइक एग्जाम्पल है कि वही एक्सप्लेनेशन वही मिल रही है। नहीं, आई मीन आई डू फील के हमें कई बार कहा भी है कि इंडिया में एक पार्टी है जो जिसकी आइडियोलॉजी एक तरह से ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जिन्ना साहब सही थे, कि हम लोग के देश के मुसलमान बराबरी के हक रखते हुए इस देश में नहीं रह सकते हैं। लेकिन इवन इन दिस वेरी डिफिकल्ट टाइम, जब एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना था 2019 में, यहाँ पहली बार मजहब के आधार पे अलग हक कम हक की बात हुई थी, उस वक्त पूरा देश उठा और लगभग 100 दिनों तक जो प्रोटेस्ट रहे, और उन प्रोटेस्ट में मैं देश के हर कोने में मुझे बुलाया गया था, और मैं आई यूज टू एड्रेस क्राउड्स ऑफ 1 लाख पीपल एंड मोर, और उस प्रोटेस्ट का जो आइकॉन, जो सिंबल बना, वो था देश का संविधान। एंड एवरी प्रोटेस्ट यूज टू स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
और जो नेशनल फ्लैग है जिसमें भगवा हरा और सफेद तीनों बराबर का हिस्सा रखते हैं, दैट बिकेम द फ्लैग ऑफ द प्रोटेस्ट. सो इट्स अ वेरी अनयूजुअल प्रोटेस्ट वे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग इज वॉट यू आर प्रोटेस्टिंग विद. और हर जगह में हिंदू सिख दलित आदिवासी क्रिश्चियन सभी इकट्ठा खड़े थे अपने मुस्लिम भाइयों बहनों के साथ उस कानून का विरोध करने के लिए जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे थे. तो आई थिंक एट दैट मोमेंट इट वाज अ मोमेंट व्हिच डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द आइडिया ऑफ इंडिया इज स्टिल अलाइव एंड सो इम्पोर्टेंट. What happened next? The CA is being implemented in Assam. No, it was implemented in Assam. इसलिए तो हम लोगों को समझ में आया कि इसका अंजाम क्या होगा. वो प्रोटेस्ट सही है कि एक तरह से क्रश हुआ. मेनी थिंग्स हैपेंड, कोविड आया, लॉकडाउन हुआ और पूरे प्रोटेस्ट को जो क्रश करने की कोशिश की गई. वर्किंग क्लास मुस्लिम वेमेन लेड द प्रोटेस्ट इन अ वे दैट वी वर वेरी प्राउड ऑफ. लेकिन मुझे लगा कि अगर हम माने कि वो प्रोटेस्ट नाकामयाब रहा, आई थिंक इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज वी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इंडिया इज स्टिल अ नेशन विच इज बेस्ड ऑन दैट आइडिया जिसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं. वो एक्चुअली आइडिया ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट. हम मजहब का विरोध नहीं कर रहे हैं, हर मजहब का बराबरी कर बराबर से इज्जत उसको कर रहे हैं, बराबर की सुरक्षा उनको मिल रही है और उसमें जो मजहब को नहीं मानते हैं उनका भी बराबर का के हक और हिस्सेदारी है. सो दैट आइडिया इज स्टिल अलाइव. वी हैव एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, उसमें वो अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके उससे द मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर इन 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 सपोर्ट ऑफ इट. अच्छा सर, यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व जो मणिपुर में हुआ मेटीज और कुकीज का. सो डू यू थिंक के जिस तरह की सेंटर से जो पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंट की करने की कोशिश की जा रही है, दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस के उनकी वजह से हुआ या कोई और उसकी अंडरलाइंग रीजंस है? देखिए मणिपुर में जो तीन बड़े एथनिक ग्रुप्स हैं उसमें जो माइती हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ की, वो वैष्णवाइट हिंदू में कन्वर्ट हुए थे किसी स्टेज पे कुछ कुछ सदियों पहले. मणिपुर एक्चुअली वी डोंट रियलाइज वाज एन इंडिपेंडेंट सेपरेट किंगडम एंड इट हैड द सेम डायनेस्टी फॉर 2000 इयर्स. और इंडिया के साथ मर्जर के कुछ वक्त पहले इट हैड बीन डिक्लेयर्ड टू बी अ डेमोक्रेसी बाय द किंग. पहाड़ों में तो एक वैली है जिसमें माइती लोग रहते हैं और पहाड़ों में ट्राइबल कम्युनिटीज दो प्रमुख ग्रुप्स हैं, एक नागा हैं एक कुकी हैं. और उनके उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया, मणिपुर इस हालत में पहुंची क्योंकि वहाँ की सरकार ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है के सभी को बराबर की रक्षा देने उसको नहीं किया है. सो इट इज क्लियरली ऑन द साइड ऑफ वन साइड ऑफ द डिस्प्यूट जो माइती कम्युनिटी के साइड है और कुकी कम्युनिटी के हितों के बिल्कुल खिलाफ बहुत खुल के वो खड़ी है. मणिपुर में जो हुआ है एक बहुत छोटा सा प्रदेश है लेकिन उन्होंने दे लूटेड दी पुलिस आर्मरीज और कोई कोई खास रुकावट नहीं हुई. सो मॉडर्न 5000 मॉडर्न वेपन्स AK-47 लाइट मशीन गन्स एट्सेट्रा हैव बीन लूटेड बाय सिविलियन पॉपुलेशंस. सो एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जिसमें सरकार
वन एक एक साइड में खड़ी है, एक साइड के पक्ष में खड़ी है, हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ काइंड ऑफ सिविल वॉर ऑफ द काइंड दैट इंडिया हैज नॉट सीन सो फार। पहली बार हम लोग एक सिविल वॉर सिचुएशन, बिल्कुल वहां मैं गया हूँ 2-3 बार, और बिल्कुल लगता है कि आप कहीं सूडान में हैं या ऐसी जगहों में हैं जहाँ एक वॉरफेयर हो रहा है कम्युनिटीज के बीच में। तो दैट इज द डेंजर ऑफ गवर्नमेंट्स विच डोंट फुलफिल देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ एवरी कम्युनिटी इक्वली, And side मत with us one community. साइडिंग विद वन कम्युनिटी एंड अलाउइंग दिस टू बिकम अ वायलेंट। एंड रिलीजियस डिफरेंस भी है, कुकी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, माइथीज हिंदू कम्युनिटी ज्यादातर है, लेकिन इट इज नॉट प्राइमरीली आई थिंक अ हिंदू वर्सेज क्रिश्चियन बैटल, इट इज एन एथनिक बैटल इन विच द स्टेट्स टेकन साइड्स। जी अच्छा सर, एक और चीज जो मैं अब क्योंकि आई एम रनिंग दिस प्लेटफॉर्म और जो के मुझे कमेंट्स मिलते हैं, मोस्ट ऑफ जी द कमेंट्स आर अगेंस्ट द इस्लाम, और जो के होते हैं वो दे आर बाय द इंडियंस, जो के मेरी क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो इंडियंस है। कुछ मैं कमेंट्स में पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आपसे पूछूंगा कि वाई इज दैट सो कि ज्यादातर लोग जो है वो इस्लाम को ऐसे समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक लिखते हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, तो वो कहते हैं कि द ट्रूथ इज दैट डेमोक्रेसी इज नॉट कंपैटिबल विद इस्लाम। ठीक है, चले मैं भी कुछ इस तरह से एग्री करता हूं कुछ चीज पे, लेकिन कुछ बहुत ही जो है, पाकिस्तान लैक्स लिव एंड लेट लिव, इट्स द कल्ट। उसके अलावा जो लिखा हुआ है कि द ऑथर पाकिस्तानी जाहिल, इस तरह के वर्ड्स। और मैं बताऊंगा कि जी, दीज हिपोक्राइट्स टॉक्स टू मच एंड ईच ऑफ देम आर वेल्ड जिहादिस्ट, ज्यादातर इस तरह के अल्फाज जो होते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि आप लोग जो हैं वो बस चलें, ठीक है, इतने ही हैं। कुछ आप लोग कहते हैं कि आप कोई कन्वर्ट्स हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों ने जो है वो मजहब को छोड़कर दूसरे मजहब अपना लिए। सो दीज आर द कमेंट्स दैट वी हेयर। तो व्हाई डू यू थिंक कि इस तरह का जो है वो वहां पे हिंदुस्तान में वो समझा जा पाया जाता है? देखिए, प्रेजुडिस है, मतलब एक सेक्शन जो हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ा हुआ, उस आइडियोलॉजी से जो सहानुभूति रखते हैं, उनमें प्रेजुडिस है, और प्रेजुडिस बढ़ता जा रहा है, और सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह की बातें बहुत फैलाई जाती हैं। बट दैट इज ऑल्सो ट्रू ऑफ अदर कम्युनिटीज। आई एम श्योर अगर हम पाकिस्तान में देखें तो उसी तरह के प्रेजुडिसेस अगेंस्ट हिंदूज भी फैलाए जाते होते हैं हैं, वो हैं, बिल्कुल हैं। विदाउट एनी डाउट, एंड एंड सो ऑन विद एवरी अदर कम्युनिटी। सो मैं एक यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में, मैं एक लेक्चर दे रहा था, तो एक मुस्लिम नौजवान बहुत उदास हुए होते हुए उन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क को जितना भी उसके साथ मोहब्बत रखूं, अंत में तो मैं माइनॉरिटी ही रहूंगा। मैंने उनको जवाब दिया कि मैं तो नहीं मानता कि आप माइनॉरिटी हैं इस देश में। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे ये कहते हैं। मैंने कहा, अगर लड़ाई हिंदू और मुसलमान के बीच में है तो विदाउट डाउट आप माइनॉरिटी में, आप 14% हैं, हिंदू 80% है, तो फिर तो आप माइनॉरिटी हैं ही और रहेंगे। पर मैं नहीं मानता कि इस देश में पार्टीशन के बाद लड़ाई कभी भी हिंदू और मुसलमानों, कौमों के बीच में रहा। लड़ाई रही एक तरफ वो लोग जो अपना मजहब को मानते हैं और दूसरों को अपने मजहब में उनकी इज्जत करते हैं, और एक जो मजहब का इस्तेमाल नफरत और हिंसा और इस तरह के प्रेजुडिसेस को फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो मैंने कहा कि मैं तो मानता हूं कि आप और मैं दोनों ही पहले कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, और हम तो मेजोरिटी हैं इस देश में, अभी भी मेजोरिटी में हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मेजोरिटी कम होता जा रहा है और हम लोगों को और मजबूती से इसके लिए लड़ना होगा, क्योंकि सो दैट इज माय आंसर। देयर इज अ सेक्शन बट इट इज स्टिल अ माइनॉरिटी व्हिच इज फुल ऑफ हेट एंड प्रेजुडिस। द मेजोरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट स्टिल गॉन ऑन दैट पाथ, अदरवाइज इंडिया वुड बी अ वेरी डिफरेंट कंट्री। लेकिन हाँ, मुझे भी डर है, खतरा है, खतरा दिखता है कि और रात दिन मैं इसके बारे में, उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने तय किया था कि इंडिया ऐसा देश होगा जहाँ पे, जिसकी बात मैंने की, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इस भगवान को माने या उस अल्लाह को माने या किसी को ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या जुबान बोलते हैं, आपकी इबादत के तरीके क्या हैं, आप क्या कपड़े पहनते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कैसा कैसे गीत और नज़म पसंद करते हैं, हर तरह से आप अपने तरीके से जिंदगी जिए और बराबर के नागरिक का हक आपको सुरक्षित होगी। हमने ऐसा देश बनाने का फैसला किया था। वो जो हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, उनकी उनकी कल्पना बिल्कुल अलग थी, और वो आज पावर में है, लेकिन इसके खिलाफ इसका रेजिस्टेंस भी बहुत है, और जिसको हमें इंडिया इज एट दिस मोमेंट रिजेम्बलिंग पाकिस्तान अंडर जियाउल हक। वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर लाइक पाकिस्तान These are एंड वी the हैव really harsh टर्न words that you are using. एंड वी हैव टू लर्न द डेंजर्स ऑफ गोइंग ऑन दैट पाथ वे। तो फिर भी यकीन है कि द मेजोरिटी ऑफ इंडियंस डू नॉट वॉन्ट टू गो इन दैट डायरेक्शन, दे वॉन्ट अ कंट्री वे वी रिस्पेक्ट एंड लिव विद लेकिन सर रिस्पेक्ट। ये देखें कि जब आपके इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, मैं एक चीज और रिसोर्सेस इतने कहना ज्यादा, चाहता हूँ अगर उस चीज पे, सॉरी जी नहीं मैं एक चीज और कहना चाह रहा था कि जी हिंदू धर्म या हिंदू मजहब और हिंदुत्व में बहुत फर्क है, कोई मेल ही नहीं उन दोनों के बीच। जस्ट एज इस्लाम मजहब और जो इस्लामिज्म, जो इस्लामिस्ट जो जो टेरर फैलाते हैं, उसमें कोई मेल, एंड वी शुड नॉट मेक द मिस्टेक थिंकिंग दैट इट इज पीपल ऑफ हिंदू रिलीजन हु आर फिल्ड विद हेट। इट इज अ सेक्शन ऑफ द पीपल हु क्लेम टू फॉलो हिंदू फेथ हु आर अट्रैक्टेड बाय दिस आइडियोलॉजी ऑफ हेट एंड प्रेजुडिस। जस्ट एज The terrorist is not following the Muslim faith. He is distorting the Muslim faith in his pursuit of terror. तो ये हमें फर्क समझना बहुत जरूरी लेकिन सर एक चीज जो है, अगर आप इन रियलिटी देखें, द रिसोर्सेस दैट दे हैव इन योर है। कंट्री, अब जैसा कि हमने एक बॉन्ड्स का, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कैम देखा, उसके अलावा जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें वो किस तरह से, अब मैं पढ़ रहा था कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो विद्यालय हैं, उनमें जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स इन्होंने की, तो ये तो ग्रास रूट लेवल से लेकर इंस्टीट्यूशंस तक इन्होंने सर सारे पूरे जो स्टेट है, इंडियन स्टेट, उस पे तो एक तरह से कब्जा कर रहे हैं, तो नहीं वुडन्ट कर इट रहे, बी डिफिकल्ट नहीं के इट इज डिफिकल्ट, नो इट इज डिफिकल्ट, इट इज अ वेरी इट मैं मानता हूं कि आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद, हम सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बिकॉज द इंडिया दैट आई बिलीव इन, आई ग्रू अप इन, इज चेंजिंग बिफोर माई आईज, बट इट इज अ चेंज दैट आई विल गिव माई लाइफ टू फाइट अगेंस्ट, एंड एंड आई थिंक देर आर मेनी इंडियंस हु विल गिव देयर लाइफ टू फाइट अगेंस्ट।
हम नहीं मानते हैं कि हम हार गए हैं इसमें। और लेकिन ये सही है कि जो जो पावर में है उनके पास जो एक किस्म का जो क्रोनी कैपिटलिस्ट वेल्थ मनी बहुत ज्यादा है, उसके साथ कब्जा जो उन्हें नेक्सस उन्होंने बिल्ड किया है। इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए हैं, ये बहुत बड़े खतरे हैं। और इसलिए ये लड़ाई मुझे लगता है एक पीढ़ी तक हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन मोहब्बत और बराबरी का जो देश है, जो हमने हमारे पूर्वजों ने तय किया था कि हम बनाएंगे, वो हम उसके लिए लड़ते रहेंगे और हासिल भी करेंगे। मेरा अपना परिवार पार्टीशन, मेरी फैमिली रावलपिंडी इनफैक्ट गांव का कहूटा था, और वहीं से उजड़ के आए थे पार्टीशन के वक्त में। और बट ऑल्दो वी आर अ पार्टीशन फैमिली, मैंने कभी भी उनके जुबान से कभी भी नफरत की बात नहीं सुनी। पार्टीशन शुड एक्चुअली टीच अस द यू नो व्हाट, जैसे मैं ऑशविट्स की बात कर रहा था, इट शुड टीच अस व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड डिविजन। और वही ये सीखा है, और इस कारण से हम लोग एक बार फिर वो इतिहास को दोहराने के लिए तैयार नहीं है अपने मुल्कों में, कि हम लोग बटे मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे, जुबान के नाम पे। हम लोग एक ही तरीका है, दिस ओनली वन वे के ह्यूमन काइंड कैन सर्वाइव, दैट इज वी रिस्पेक्ट ईच अदर। तो मोहब्बत ही मुझे लगता है कि रास्ता है फॉर आवर फ्यूचर्स, पाकिस्तान में भी और इंडिया में और पूरे सर वेस्ट। ये पर्सनल क्वेश्चन है। आपने जैसा कि कहा कि कहूटा से आपकी फैमिली थी, तो मैं भी वैसे कहूटा के हम पास ही बैठे हैं इस टाइम पे भी। तो मुझे ये बताएं कि वो आप लोगों से वो पहाड़ी जो हिंद को होती है इधर की, तो वो पोटवारी बोलते थे जो फैमिली थी। पोठवारी, फैमिली पोठवारी बोलते, अभी भी आपको आपको आती है या नहीं वो पोटवारी? मुझे भी आती है। हम लोगों को तो वो वी डिडंट हैव द गुड फॉर्च्यून, बट मेरे माँ बाप पोठवारी बोलते थे। आपस में वो पटवारी बोलते थे। सही सही, इंटरेस्टिंग। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मिस्टर मंदर। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू। हम एक और सेशन होपफुली रखेंगे सून। इंशाल्लाह थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, आप आपके मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। खुदा हाफिज़।